लग जा गले कि फिर ये रात हो ना हो। ये भले ही ये जो गाना है ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है, लेकिन एक बार फिर से जिस खूबसूरत आवाज़ में इस गाने को दोबारा से सजाया गया वो गायिका है श्रेया घोषाल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम यानी कि ट्रूथ ऑफ बॉलीवुड में। एक बार फिर से ट्रूथ ऑफ बॉलीवुड में हम खबर लेकर आए हैं, या यूँ कह ले जानकारी लेकर आए हैं बॉलीवुड की एक ऐसी सिंगर के बारे में जिनके नाम से उन्हें कम और उनके गाने उनकी आवाज़ से उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा पहचानते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि श्रेया घोषाल है। श्रेया बॉलीवुड की वो सिंगर है, वो फीमेल सिंगर है जिन्हें आप किसी तरीके से भी किसी भी गाने के हिसाब से ढाल सकते हैं। वो उस लहजे में अपनी आवाज़ को पिरोती हैं, अपनी आवाज़ को सजाती हैं कि ऐसा लगता है वो गाने को श्रेया घोषाल ने जब गाया है तो वाकई में उसमें चार चांद लग गया हो। चाहे हम बात कर ले फिल्म पद्मावत की, या फिर बात कर ले हम फिल्म भूल भुलैया की, या फिर हम बात कर ले फिल्म देवदास की। ये वो फिल्में हैं जिनमें इनके गाने आइकॉनिक माने जाते हैं। लोग इन्हें आज भी इनके गाने को पसंद करते हैं और सालों दर सालों से पसंद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इसका कारण एक है, वो है श्रेया घोषाल। लेकिन उनके करियर की शुरुआत कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि एक फीमेल तौर पर देखा जाए तो इंडस्ट्री में टिक पाना और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में श्रेया घोषाल का जो सफ़र है, उनका जो करियर है, वो कितनी मुश्किलों के बाद या कितनी मेहनत के बाद रंग लाया ये तो खैर जानने पे ही पता चलेगा, और ये जानकारी आपको हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से देने वाले हैं। यानी कि ट्रूथ ऑफ बॉलीवुड में अपनी इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको हम श्रेया घोषाल के कुछ खास गाने और साथ ही उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी कुछ खास किस्सों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप भी श्रेया के आवाज़ के दीवाने हैं और अगर आप भी श्रेया के गाने को सुनना पसंद करते हैं तो उनके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपनी मखमली आवाज़ से लाखों दिलों पर राज करने वाली श्रेया घोषाल। जी हाँ, श्रेया का जन्म 12 मार्च 1984 को राजस्थान के रावत भाटा में हुआ था। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, पंजाबी और मलयालम जैसी कई अलग अलग भाषाओं में गीत गाए हैं। श्रेया की पढ़ाई मुंबई के एडमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से हुई। श्रेया घोषाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एनर्जी सेंट्रल स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई में ही SIIS कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी गहरी छाप छोड़ी है। चलिए आपको आज हम श्रेया के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। संगीत का ज्ञान बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ से लिया। श्रेया बचपन में ही जहाँ रहती थी वहाँ ज़्यादातर इंजीनियर और साइंटिस्ट रहा करते थे। ऐसे में वह संगीत का माहौल बिल्कुल नहीं था, फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने अपने संगीत के सफर की शुरुआत 1986 में आई थी फिल्म से की थी। जी हाँ, इस साल उन्होंने जी टीवी के शो सारे गामा पा में बतौर बाल कलाकार भाग लिया और शो को जीता था। महज 12 साल की उम्र में श्रेया ने अपने हुनर को सभी के सामने रख दिया। उस समय सारे गामा पा को गायक सोनू निगम और कल्याण जी के जज कर रहे थे, जिसका लाभ उन्हें ज़रूर मिला।
शो के दौरान ही कल्याण जी, आनंद जी श्रेया की आवाज से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने श्रेया के पिता को उनकी बेहतरी और संगीत की अच्छी शिक्षा के लिए मुंबई शिफ्ट होने की सलाह दे दी। कहते हैं जब श्रेया मुंबई आई तो उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी से संगीत की बारीकियां सीखी और कल्याण जी ने श्रेया को संगीत के कई अहम पहलू समझाए। निर्देशक निर्माता संजय लीला भंसाली को श्रेया की आवाज़ बेहद पसंद आई। कहते हैं संजय ने प्रण सा ले लिया था कि देवदास फिल्म में वो श्रेया से ही गाना गवाएंगे, जिसके बाद माँ के कहने पर भंसाली ने श्रेया को गाने के लिए बुलाया और उसके बाद श्रेया की झोली में बैरी पिया गाना गया, जो हर किसी के दिल में आज भी घर करके बैठा है। श्रेया बॉलीवुड की ऐसी सिंगर है जो हर तरह के गाने को बड़े ही बखूबी अंदाज में निभाती है। खैर इतना ही नहीं, श्रेया छोटे पर्दे पर भी कई सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शोज को जज कर चुकी है। इसमें इंडियन आइडल, अमूल वॉइस स्टार ऑफ इंडिया, छोटे उस्ताद भी मौजूद है। श्रेया को फिल्म देवदास के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनको आरडी वर्मन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने बेहद कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। अपनी जादुई आवाज के दम पर श्रेया ने कई अवार्ड अपने नाम किए। उन्होंने अब तक करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दी। श्रेया के फैंस दुनिया भर में फैले हुए हैं। श्रेया ने 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं, साथ ही 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। और अगर आज के समय में श्रेया के गाने की बात करें तो कई ऐसी फिल्मों के गाने हैं जिनके बारे में, जी हाँ, जिनके गाने श्रेया के आवाज़ की वजह से जाने जाते हैं। आपको बता दें, श्रेया का जितना भी गाना है उनमें ज़्यादातर उनका क्लासिकल गाना सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। श्रेया के इसके अलावा उनकी अगर मन पसंदीदा अगर सिंगर की बात करें तो वाकई में उनकी मन पसंदीदा जो उनकी प्रेरणा है वो है स्वर कोकिला, यानी कि लता मंगेशकर जी। चलिए आपको श्रेया के कुछ गानों की खास लिस्ट बताते हैं जो गाने आज भी लोगों के जहन में हैं, जिनमें से एक गाना है सुन रहा है ना तू, जो फिल्म आशिकी 2 का गाना है। जी हाँ, मानना पड़ेगा कि ये गाना हिट होने की एक वजह श्रेया की आवाज़ की खूबसूरती भी है। वहीं उनका दूसरा गाना है पिया ओरे पिया, जो फिल्म तेरे नाल लव हो गया का है। आतिफ और श्रेया द्वारा गाया हुआ ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा मेरे ढोलना फिल्म भूल भुलैया, जी हाँ, ये सबसे कठिन क्लासिक गानों में से एक है जिसके साथ श्रेया ने पूरी इंसाफ की है, यानी कि उनका ये गाना उनकी आवाज़ में इतनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है कि जो भी इसे सुनता है वो पूरी तरीके से मनमुग्ध हो जाता है। आगे बढ़े तो अगला उनका गाना है चिकनी चमेली फिल्म अग्निपथ। इस गाने में एक शरारती अंदाज में श्रेया की आवाज ने बड़ी बखूबी तरीके से अपने आप को इस गाने के साथ अपनी आवाज को सजाया है। जी हाँ, आगे बढ़ जाए तो उनका अगला गाना है पीहू बोले फिल्म परिणीता। बेहद साधा हुआ ये गाना श्रेया घोषाल के सबसे प्यारे गानों में से एक है। इसके अलावा इन श्रेया घोषाल के जितने भी गाने हैं उनमें उनके ज़्यादातर क्लासिकल सॉन्ग उनके फैंस को बेहद पसंद आते हैं। तो देखा आप सभी लोगों ने कि किस तरीके से श्रेया अपनी आवाज़ से ही शुरुआत से लेकर अभी तक अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी पहुंच बना रखी है। आज सोनू निगम हो
उदित नारायण हो, लता मंगेशकर जी हो, या फिर कोई और सिंगर क्यों ना हो, हर कोई श्रेया की आवाज़ के जादू को मान चुका है, उनका दीवाना हो चुका है। लेकिन श्रेया के अंदर आज भी एक खास बात है, वो आज भी सीखना बिल्कुल नहीं भूली है। जब भी उन्हें किसी भी रियलिटी शो में आप देखेंगे तो वो या तो लोगों को सिखाती हैं या फिर खुद ही सीखती हैं। उनका खुद का भी मानना है कि किसी भी कला को सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। खैर दोस्तों, अब देखा जाए तो भले ही श्रेया का अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है, लेकिन वो अपने फैंस का, अपने चाहने वालों का पूरा पूरा ख्याल रखती है। और यही कारण है कि जब भी उनका कोई गाना आता है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नयापन ज़रूर देखने को मिलता है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन हाँ, आप हमारे चैनल यानी कि फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।